Good morning, everyone. Welcome back to Saturday morning. और कैसे हो आप सब? Hope you all are doing well. हम लोग भी ठीक ठाक हैं. और आज सैटरडे है, मैं का स्टडी गैप है, छुट्टी है एक्चुअली. और लास्ट एक ही एक मिनट चाय का बर्तन निकाल दी. एक ही रह गया एग्जाम जो ट्यूसडे को है. और बस आज स्टडी गैप के बाद ट्यूसडे को एग्जाम कंप्लीट होगा ना, तो एक दिल में तसल्ली सी होगी. बाय द वे, इतना दिन से मैं आप लोगों को बोल रही थी जे चलो कहीं जाए, कहाँ जाएंगे मैं बाद में बताऊंगी. तो फिलहाल आज मैं बता ही देती हूँ. हम लोगों का इच्छा है कि हम लोग जाएंगे अयोध्या जी, तो राम जी का दर्शन करने. अगर टिकट हो जाती है तो हम लोग पहुंच जाएंगे, आप लोगों को साथ में लेके जाएंगे. ये सबसे बड़ी खुशी है, गुड न्यूज है, क्योंकि हम लोग सोचे ही है अयोध्या जी जाने का. और भोलेनाथ की नगरी बनारस, हर हर महादेव. तो देखती हूँ कब निकलना होता है, तो पूरी डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. फिलहाल तो बन रही है यहाँ पे सुबह की चाय, और मयंक भी शायद उठ गया आज सुबह से, उसको लेके मुझे बैठना है. कहाँ गया? हे भगवान जी, क्या कर रहे हैं आप लोगों को पता है? ये देखिए सुबह सुबह उठ के आईपैन, चलो पढ़ने. से गुड मॉर्निंग एटलीस्ट. चलिए, बच्चा है ना, कंप्यूटर एग्जाम बाकी है, तो स्टडी गैप में थोड़ा सा तो मस्ती मजाक एंजॉय चलते ही रहता है. चलिए मैं अपना प्लांट्स में थोड़ा सा पानी दे दूं. मेरा ना 500 सब्सक्राइबर पूरा हो चुका है, मतलब हम लोग अभी 500 लोगों की YouTube फैमिली हो चुके हैं. इसलिए थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों की सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं था. तो फाइनली 500 सब्सक्राइबर आप लोगों का चैनल कंप्लीट कर चुका है. हम लोग अभी 500 फैमिली हो गए हैं, 500 मेंबर्स का फैमिली हो गए हैं. तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. बाय द वे, इसका सेलिब्रेशन करूंगी मैं. आप लोग मतलब सवाल आया था इसका पहले वाली व्लॉग में, क्योंकि थोड़ी दिन पहले कंप्लीट हुआ, तो दिया 500 सब्सक्राइबर का सेलिब्रेशन नहीं किए, तो करूंगी मैं गाइस. अभी मैं का एग्जाम चल रहा है ना, आप लोगों को पता ही है, तो एग्जाम थोड़ा सा कंप्लीट हो जाने दीजिए बच्चा का, उसके बाद सेलिब्रेशन करूंगी, जरूर करूंगी. कुछ अच्छा सा बनाऊंगी, उसका रेसिपी शेयर करूंगी, केक वेक कट करूंगी, बहुत कुछ प्लानिंग करके रखे हैं. लेकिन सिर्फ हम लोग अटके हुए हैं बच्चा का ट्यूजडे को एग्जाम खत्म हो जाने दीजिए. फिलहाल चलिए मैं चाय बनाती हूँ और गर्मा गर्म चाय एंजॉय करते हैं. तो जी, सबके लिए मैं चाय बनाऊंगी सबसे पहले, और उसके बाद बाकी का कामों में लगूंगी. बहुत सारे काम होते हैं हम हाउसवाइफ्स को घर में, ये तो आप लोगों को पता ही है. अच्छा, किसी ने ना मुझे बोला था कि दी आप इतना काम करते हो, देख के ना बहुत मोटिवेशन मिलता है. तो आप इतना मोटिवेशन पाते कहाँ से हो? एक्चुअली मुझे ना अच्छा लगता है घर का काम करना. मैं ये अपने लिए चुनी हूँ कि मुझे घर का काम करना है, घर सजाना है. मुझे बेहद अच्छा लगता है अपना ही घर का काम करने में. मैं कभी भी नहीं होती हूँ कि अब अच्छा नहीं लग रहा है काम करने में. मुझे डेली सुबह उठ के ये सारे काम करना बहुत पसंद है, तो वो खुद में ही एक मोटिवेशन है. जब आप समझो ना कि आपका खुद का घर है, खुद का काम है, तो बस वो एक अलग ही, आप ही का परिवार है, तो आपको करना है उनके लिए, तो अलग ही एक मोटिवेशन मिल जाती है सुबह सुबह. तो चलिए, चाय मेरी बन गई है, और मैं ना आज मयंक को पढ़ाने वाली हूँ, छोड़ने वाली नहीं हूँ आज उसको, क्योंकि सुबह सुबह ब्रेकफास्ट भी बनाऊँगी, साथ में उसको पढ़ाऊँगी भी, क्योंकि बस 2 दिन में उसका एग्ज़ाम है ट्यूसडे को. तो मैंने वही सोच के रख लिया था कि ट्यूसडे एग्ज़ाम है, तो बस आज मुझे उसको पकड़ना है, और जहाँ जहाँ
जहाँ उसका छूट रही है वो सारे सब चीज़ उसको कराना है और उसको टेस्ट लेना है। देखिए मुंह बना के बैठा हुआ कि टेस्ट नहीं देगा सुबह सुबह, तो मैंने बोला कि नहीं भाई आज तो हम तुमको छोड़ने वाले हैं नहीं, आज तो आपको टेस्ट देना ही पड़ेगा। तो वही क्वेश्चन पेपर मैं तैयारी कर रही हूँ और उसको बोल रही हूँ कि जो जो जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि पढ़ना है आप पढ़ो और मैं सारे क्वेश्चन पेपर रेडी करूँगी और आपका टेस्ट लेने वाली हूँ। और तब तक मैं बनाऊँगी किचन में ब्रेकफास्ट और मैं इनका फेवरेट ब्रेकफास्ट बना रही हूँ क्योंकि सैटरडे है तो मैं इनका फेवरेट ही ब्रेकफास्ट बनेगा, तो इसलिए वही बना रही हूँ। और साथ ही साथ मैं ना कल रात को ही बर्तन लोड करके छोड़ दी थी तो मैं वही कर रही हूँ, यहाँ पर बर्तन लगा रही हूँ। एक निश्चिंत रहूँगी कि बर्तन धुलते रहेंगे, साइड बाई साइड मैं अपना काम करती रहूँगी। तो वही चीज़ होती है डिश वॉशर में ना, ये बड़ा मतलब अच्छा काम है, बढ़िया तरीके से हो जाती है, मेरी काम उतना मतलब हेडेक नहीं होती है। साइड बाय साइड मैं को भी मैं देख रही हूँ अपना सारा काम, इधर उधर का जितना काम होते हैं वो सारे कर रही हूँ। देखिए खेल रहा था वो, तो बस वही मजाक से एक चांटा मारा मैंने। तो प्यार से मैं हमेशा नहीं, बच्चों को मैं कभी नहीं मारती हूँ ये तो है, और डांटती भी बहुत कम हूँ क्योंकि मुझे ना खुद में ही माया लगता है। अब छोटा बच्चा है कितना ही प्रेशर डालो मैं उसके ऊपर, लेकिन कुछ कुछ तो करना ही पड़ता है। तो प्यार बड़ी एक बस कभी कभी मैं सर पे खटास, भाई तुम थोड़ी सी सुधर जाओ, लेकिन मेरा एक बात नहीं सुनता है। बहुत प्यारा बच्चा है ना, मैं नहीं कर सकती हूँ मैं ये सारी चीज़ें, ज़्यादा डांट नहीं सकती। यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट बनाने लगी हूँ, ब्रेकफास्ट में ना सैंडविच बनाऊँगी सिंपल सा क्योंकि मैं को आज मन हो रहा था सैंडविच खाने का। तो मैं सारे कटिंग चॉपिंग कर ली और करने के बाद मैं यहाँ पे मैं सैंडविच का तैयारी कर रही हूँ। ये सारे सामान ना थोड़ी सी सौते करनी है, जो फटाफट वाली सैंडविच होती है ना बच्चों वाली फटाफट वाली, वही वाली बना रही हूँ। और कल वाली व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा ना जो चिकन बचा हुआ था वही लेफ्ट ओवर चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। मतलब यहाँ पे थोड़ी सी नमक ऐड किया मैंने, नमक ऐड करने से क्या होता है ना सब्जी थोड़ा सा जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, पानी छोड़ देते हैं तो सॉफ्ट हो जाते हैं। और बचा हुआ चिकन नहीं, एक्चुअली कल जो चिकन करी बनाई थी ना वो बच गया था, तो बहुत ज़्यादा ही हो गया था बच गया था, तो मैंने थोड़ा सा ना हटा के रख दिया, मतलब जो बचा था उसको मैंने हटा के रख दिया साइड में फ्रिज में। आज उसी का ही सैंडविच बना रही हूँ, तो ये लेफ्ट ओवर फूड का इस्तेमाल भी हो जाती है बढ़िया तरीके से और सबको पता भी नहीं चलता है और सबको अच्छा भी लगता है, नया तरीके की कोई रेसिपी भी बन जाती है। तो बस मैं वही कर रही हूँ, यहाँ पे चिकन सैंडविच बनाऊँगी क्योंकि थोड़ी सी जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ यहाँ पे, थोड़ी ना वो चाइनीज़ इंडो चाइनीज़ जो टच होती है ना, मतलब इंडियन खाना है थोड़ी सी चाइनीज़ टच देना है, वही मैं करने वाली हूँ। रेड चिली पाउडर इस्तेमाल किया, उसके साथ मैंने ऐड किया टमाटो केचप क्योंकि रेड चिली पाउडर जो है ना वो कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, उसके साथ टमाटो केचप और थोड़ी सी ना सोया सॉस भी मैंने ऐड ऑन किया यहाँ पे। तो सोया सॉस ऐड करने से ना एक कलर अलग हो जाती है, बस थोड़ी सी अंडा मतलब यहाँ पे ऐड करना है क्योंकि दो अंडा का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो क्योंकि वो होता है ना एक चिकन सैंडविच वही मैं बना रही हूँ। तो मैंने ट्रिक लगाया कि इसी तरह से अंडा को चलो थोड़ी सी फ्राई फ्राई कर लेती हूँ तो एक साथ मिक्स्ड अप कर दूँगी, तो अलग अलग कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, स्टफिंग मेरा तैयार हो जाएगी फटाफट से क्योंकि मैं इनको पढ़ा भी रही हूँ ना साइड बाय साइड, चार बार करके दौड़ी हूँ वहाँ पे, मुझे पूछ रहा है मम्मा ये क्या है मम्मा वो क्या है, बच्चों के साथ जो होता है, बच्चे तो बच्चे ही हैं अल्टीमेटली कितना ही बड़ा है, तो बस उसको भी थोड़ी सी ध्यान देने पड़ती है और उसका खाना पीना का भी तो ध्यान तो बहुत अच्छे से ही देना पड़ता है मुझे। और यहाँ पे ना थोड़ा सा मैं ना वो गेहूँ का आटा इस्तेमाल कर रही हूँ बाइंडिंग के लिए क्योंकि ऐसे ना बहुत गीला गीला लग रहा था, तो गेहूँ का आटा इस्तेमाल करने से क्या होता है ना चीज़ें ना बाइंड हो जाती है बहुत अच्छे से। अगर आप मंचूरियन भी बना रहे हो ना तो गेहूँ का आटा का इस्तेमाल करिएगा तो वो बहुत अच्छे से ना बाइंड हो जाती है, मतलब जो बॉल्स होते हैं बन जाते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे सैंडविच मेकर अपना निकाल ली हूँ, ये मतलब बहुत ही आसान तरीके की एक मतलब ब्रेकफास्ट रेसिपी है बोल सकते हो आप लोग,
जो है फटाफट से ब्रेड था मेरे पास, तो ब्रेड मैं निकाल ली, बस ब्रेड में भरूंगी स्टफिंग और डाल दूंगी सैंडविच मेकर में, वो बहुत ही जल्दी सैंडविच बना के तैयार कर देगा और बहुत ही क्रिस्पी सैंडविच बनती है, बहुत ही अच्छी बनती है। अच्छा, मुझे किसी ने बोला था दी आप वो ग्रिल वाला सैंडविच मेकर क्यों नहीं ली, क्योंकि ये जब सैंडविच मेकर मैं ली थी ना, द फ्रंट लोडेड वॉशिंग मशीन लेने वाली थी, उसका आधा पेमेंट हो गया था, तो बस मतलब आधा नहीं, 1/4 पेमेंट हो गया था, हम लोग एडवांस कर दिए थे, तो उसका बेसिस में फिर हम लोगों को फ्रंट लोडेड लेना हुआ नहीं, तो बस बहुत सारा ब्ला 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 रीजन से मुझे ये वाली मिल गई, तो बस ये वाली मैं लेके आ गई। लेकिन सैंडविच इसमें बढ़िया तरीके से बन जाती है, देखिए कितना क्रिस्पी वाली सैंडविच बनी है, बहुत अच्छी वाली सैंडविच बन गई है। तो फिलहाल हम लोगों ने ब्रेकफास्ट इंजॉय कर लिया है, मतलब ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा बना था, फिल्म का जो जितना बाकी था रह गया था तो मैंने उसको बोला कि आप कंप्लीट करो, साइड बाय साइड मैं यहाँ पे काम करने लगी हूँ, क्योंकि जितना सारा बर्तन लगाई थी ना सुबह सुबह, वो सारे बर्तन का लॉट खाली करूँगी, तभी दूसरा वाला लॉट यहाँ पे डाल सकूँगी मैं। तो फिलहाल ये लॉट खाली करके फिर मैं मयंक को भी थोड़ा थोड़ा देख रही हूँ, अभी किचन साफ़ करने की बारी है, तो किचन ना फटाफट से क्लीन कर लूँगी मैं, जितना सारा सॉस वगैरह था वो सारे अपनी जगह पर फ्रिज में डाल दूँगी, और उसके साथ ही साथ सैंडविच मेकर को भी अच्छी खासी तरीके से इसको साफ़ कर लूँगी, मतलब क्लीन कर लेती हूँ मैं। पहले तो स्कॉच ब्राइट और स्क्रबर से इसको साफ़ करती हूँ, क्योंकि इसमें ऑयल रहती है ना, तो फिर एक गीला कपड़ा से ना उसको पोंछ के, फिर टिश्यू पेपर से सूखा करके पोंछ के इसको खोल के रख देती हूँ, कम से कम पूरा अच्छी तरीके से सूख जाए, उसके बाद मैं इसको पैक करके जहाँ है वहीं पे घुसा देती हूँ। तो बस ऊपर ऊपर भी ना ऑयल चले आते हैं, तो उसको भी साफ़ करना रहता है, तो सारे बर्तन साफ़ करने के बाद मतलब आधा ही काम की थी मैं, तो मैं का बुलावा आ गया कि मम्मा ये वाला हो गया थोड़ा सा देख लीजिए, तो बस मैं यहाँ पे मैं का स्टडी में हेल्प कर रही थी, थोड़ा सा देख रही थी वो क्या किया है क्या नहीं किया है, क्योंकि उसको मैंने जो क्वेश्चन पेपर सेट करके दिया था तो वही मैं चेक कर रही थी, पहले चेकअप कर लूँगी फिर से उसको दूसरा क्वेश्चन पेपर और उसके बाद मैं काम पे लगूंगी। मैं इस तरह से उसको पढ़ाती हूँ, मेरे साथ कौन कौन एग्री करता है बताइए, मतलब किस किन किन माँ मम्मियों का ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि घर का खाना पीना भी बनाने पड़ता है, वो तो हम लोगों का नेचुरल वे में काम है, और बच्चों का जब एग्ज़ाम होते हैं तो इस तरह का हेडटिक होते हैं, मेरे साथ ऐसा होता है। तो मैं फ़िलहाल उठ के गया है कुछ लेने के लिए सामान, और बस यहाँ पे मैं ना अपना बर्तन लगा रही हूँ फटाफट से, क्योंकि बर्तन सारे लगाने हैं मुझे, और ये देखिए लेके आ गया, फिर बोल रहे हैं मम्मा मैं हेल्प करूँ, अरे भाई तुम हमको हेल्प मत करो, पढ़ाई करके हेल्प कर लो, क्योंकि उसका एग्ज़ाम भी है ना, और लास्ट एग्ज़ाम बाकी है अब, और हो भी नहीं रहा है ना, उससे हो रहा है ना मुझसे हो रहा है, लग रहा है कि अब भाई एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए, अब एकदम नहीं पढ़ाई कराया जा रहा है, बहुत दिन हो गया कि डेली एग्ज़ाम 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 करके ना दिमाग एकदम आउट हो गया है। तो फ़िलहाल जितना बर्तन था डिश वॉशर में मैं डाली, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लीन करने लगी थी किचन रूम, क्योंकि जितना सारा बर्तन नहीं जाएगा वो सारे बर्तन क्लीन अप करके मैं बर्तन सारे जगह पे सेटल कर दूंगी, ताकि मेरा जब एक्चुअली मतलब किचन क्लीन करके रखूँगी ना, तो इससे क्या हेल्प हो जाती है ना कि जहाँ पे मैं जब लंच बनाऊँगी ना मेरा किचन एकदम नीट एंड क्लीन मिलेगा, वो गंदी वाली किचन में ना मैं बिल्कुल काम नहीं कर सकती हूँ, मतलब लगता है कि जगह ही नहीं है पूरा, एक तो किचन मेरी छोटी है, ऊपर से अगर बर्तन फैला हुआ रहेगा गंदा गंदगी रहेगी ना, तो लगता है कि भाई मेरे मुझसे काम नहीं होगा, अब मुझे छोड़ दो क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, काम करूँगी कहाँ, इसीलिए ना मैं हमेशा किचन को क्लीन कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट के बाद, क्योंकि जगह छोटा है बर्तन रहता नहीं है, तो सारे बर्तन डिश वॉशर में डाल के एकदम फ्रेशन अप कर लूँगी, जब आऊँगी लंच बनाने तो किचन मुझे एकदम नीट एंड क्लीन मिलेगी। बस यहाँ पे जाऊँगी अब मयंक को तैयारी कराने, बस मयंक को पढ़ाई करा ली हूँ मैं, और यहाँ पे आ गई हूँ मैं लंच बनाने के लिए।
ये सारे सब्जियां ना मैंने कटिंग चॉपिंग करके रख ली थी, प्याज वगैरह सारे सब्जी मैं ना ये वाली बनाऊंगी। ये थोड़ी सी ना चाइनीज स्टाइल में बनाऊंगी, लेकिन इंडियन टच भी है क्योंकि इसमें हल्दी और नमक से मैं इसको मैरिनेट करूंगी। थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, आप चाहो तो तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। मैं कश्मीरी डाल रही हूँ क्योंकि घर पर तो हम लोग तीखी वाली खाते नहीं हैं, मैं इनके लिए। और इसमें थोड़ी सी नमक ऐड करना है आपको बहुत अच्छी तरीके से। तो नमक ऐड करने के बाद में इसमें ऐड करनी है मस्टर्ड ऑयल, मतलब सरसों का तेल। सरसों का तेल अच्छे से ऐड कीजिए और इसको ना अच्छे से मैरिनेट कर लीजिए, सारे फिशेस को साथ ही साथ मैरिनेट कर लीजिए। और करने के बाद साइड बाय साइड ना ऑयल मैंने चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए, मस्टर्ड ऑयल। इसमें ना फ्राई कर लूँगी सारे फिशेस। मैं तीन तीन पीस करके कर रही हूँ क्योंकि जगह उतना नहीं है। और अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा दोनों की तरफ से, रेड रेड करके फ्राई कर लीजिएगा थोड़े अच्छे से, तो इसमें ना स्वाद बहुत बढ़िया आ जाती है। तो बस यहाँ पे फिशेस मेरी फ्राई हो चुकी है और एक लॉट होने के बाद दूसरा लॉट मैं करूँगी। ये तो फर्स्ट लॉट है मेरी जो फ्राई हो चुकी है, अब फ़िलहाल मैं दूसरा लॉट फ्राई करूँगी यहाँ पे। और फिर यहाँ जब ये फ़िश फ्राई होगी ना तो मैं दूसरा काम देख लूँगी, मतलब फ़िश करी बनाने का ही दूसरा काम देख लूँगी। फ़िलहाल मैंने एक बर्तन ले लिया छोटी सी, उसमें ना गेहूं का आटा डाल रही हूँ। बेसिकली ये मैदा से या कॉर्नफ्लावर या कॉर्नस्टार्च से किया जाता है, मैं गेहूँ का आटा से ही काम चला लेती हूँ। इससे ना मतलब हेल्दी रहती है, थोड़ी बहुत हेल्दी रहती है। मैं स्लैडी बना रही हूँ, आपको थिक होने से मतलब है, आप कॉर्नफ्लावर से बनाओ या गेहूँ का आटा से। कॉर्नफ्लावर या मैदा से ना सबसे मतलब हेल्दी वे में होता है स्लैडी बनाना, गेहूं का आटा से। इसे ना रोटियां बनती है तो तबीयत भी उतना ख़राब नहीं होती है, बिगड़ती नहीं है, तो बस ये बहुत अच्छा है, तो मैं इसी से ही मैं बनाती हूँ हमेशा। तो फिलहाल यहाँ पे मेरी फ़िश सारी फ्राई हो गई है सेम कढ़ाई में, कढ़ाई को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो फ़िश आप फ्राई की हो ना उसका जो खुशबू, उसका जो स्मेल है ना, वो ये सब्ज़ी में आ जाएगी। थोड़ी सी हरी मिर्च डाली, ऑयल गर्म होती है और सारी सब्ज़ियाँ यहाँ पे ऐड कर देनी है आपको कढ़ाई में। इसको थोड़ी सी स्टर फ्राई देना है फुल फ्लेम में, इसको स्टर फ्राई देना है। और इसमें ऐड करनी है नमक। नमक ऐड करते ही पानी छोड़ देता है, लेकिन आपको फुल फ्लेम में फ्राई करना है स्टर फ्राई, इसीलिए थोड़ी सी क्रंचीनेस रह जाएगी। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी ओरिगैनो। ओरिगैनो ज़रूर से ऐड कीजिएगा क्योंकि ये चाइनीज़ तरीके से बन रही है, ओरिगैनो में फ़्लेवर बहुत अच्छी आ जाती है। थोड़ी सी मैं यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ और बस इसको अच्छे से फ्राई 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 करना है, स्टर फ्राई करना है ज़रूर से। फुल अप फ्लेम में मैं पका रही हूँ यहाँ पे, तो इसलिए ना इसका वाटर रिलीज़ नहीं हुआ, अच्छे से सौते हो गया। बस यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ टमाटो केचप और उसके साथ सोया सॉस, डार्क सोया सॉस है ये, मैंने वो इस्तेमाल किया। थोड़ी सी ना मतलब चिली जो सॉस होती है ना वो वाली केचप यूज़ कीजिए, चिली वाली। अगर आपके बच्चे ज़्यादा तीखा ना खाए तो थोड़ा सा कम यूज़ कर सकते हैं, मैं थोड़ी सी कमी की, उतना ज़्यादा तीखा नहीं हुआ था ये। और बस इसके साथ ऐड ऑन करनी है आपको स्लैरी और बहुत जल्दी बन जाती है ये। स्लैरी ऐड करने के बाद थोड़ी सी पानी ऐड कर दीजिए। ये ना सबसे फटाफट वाली लंच है, मतलब आपको ज़्यादा तामझाम भी नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन आपकी लंच बहुत जल्दी बन जाएगी, बहुत टेस्टी भी बनेगी। तो बस यहाँ पे मैंने स्लैरी ऐड कर दिया और पानी भी ऐड कर दिया, देखिए कितना थिकनेस आ गई। आप चाहो तो चिकन भी ऐड कर सकते हो, पनीर भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं फ़िश का बना रही हूँ ना, तो बस वो वाली फ़िश मैं यहाँ पे जो फ्राई करके रखी थी ना वो मैं ऐड कर रही हूँ। बस बहुत बढ़िया बन गई थी, सच बता रही हूँ, इतना टेस्टी रेसिपी बनी थी ना, सबको ही बहुत तारीफ़ें की। आप लोग इस तरह से कभी बना के देखो, ये वाली फ़िश बहुत अच्छी लगेगी। थोड़ी सी नमक ऐड किया मैंने, थोड़ी सी चीनी ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये चाइनीज़ फ्लेवर में ना थोड़ी सी चीनी ऐड करना ज़रूरी हो जाती है, नहीं तो बहुत खट्टी खट्टी लगती है। तो चीनी ऐड ऑन कर दिया मैंने, ये उबाल तो आ चुका है तो फिश भी फ्राई हो चुका है, तो ये डन हो गया। चलिए ये था तब आज हम लोगों की लंच, बहुत ही यम्मी सा लंच था, सबको बहुत पसंद आया था, मैं को स्पेशली बेहद पसंद आया था। इस तरीके से आप कभी फिश बना के देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितना बढ़िया लग रहा था टेस्ट में। एक्चुअली बहुत बढ़िया बना था ये वाली रेसिपी,
इतना टेस्टी था ना, मैं क्या ही बताऊं। मेरा लंच वंच हो गया, मतलब हम लोग सभी का लंच हो गया। मैं किचन क्लीनिंग कर चुकी हूँ। मैं दिखाऊं, मैं किचन क्लीनिंग कर चुकी हूँ, ये देखो किचन क्लीनिंग हो चुका है। और आज मेरा कोई काम नहीं है, थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी। आज मैं एडिटिंग भी नहीं करूँगी, शाम को करूँगी, क्योंकि मैं कभी आज सैटरडे है और मैं इनका एग्ज़ाम है ट्यूसडे को, और कंप्यूटर एग्ज़ाम है, थोड़ा बहुत पढ़ाने से हो जाएगा, तो थोड़ा सा रिलैक्स भी कर लूँगी मैं। तो इसलिए आज ज़्यादा ताम छाम कुछ नहीं है, थोड़ी सी रिलैक्स रिलैक्स मूड है। और मैं इसको दिखाऊँ, थोड़ा सा ना घुमा दिए मैंने, अच्छा लग रहा है ना देखने में, एकदम अच्छा लगता है देखने में। ये देखो एकदम उस साइड चला गया था इसीलिए। एनीवेज चलो, आज का वीडियो, आज का ब्लॉग किसी भी पॉइंट पे अच्छा लगे, किसी भी पॉइंट पे आप लोगों को लगे कि हाँ ये रेसिपी अच्छा है, तो घर में ट्राई कीजिएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताने बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग बताते हो कि दी आप बहुत अच्छा खाना बनाए हो, तो रेसिपी ट्राई करो यार, फिर ना पता चलेगा कि कितना अच्छा बनते हैं। एनीवेज चलो, आज हर वीडियो यहाँ पे मैं एंड करती हूँ, क्योंकि वीडियो अच्छा लगे एंड इसलिए कर रही हूँ कि थोड़ा सा ना रिलैक्स कर लूँगी। अब अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब सर पकड़ रहा है। हेयर ऑयलिंग करूँगी थोड़ा सा, फिर देखते हैं, और शाम को फिर मैं बैठूँगी आज एडिटिंग करने, अभी नहीं करूँगी। फिलहाल यहाँ को बुझाने पड़ रहा है, मैं इनको थोड़ा सा सुला दिए हैं कि तुम सो, नहीं तो हमको वो चैन से भी बैठने नहीं देगा, खेलना स्टार्ट कर देगा। एनीवेज चलो, आज का वीडियो ही मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब विच इज़ परमाकुरी ब्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। कल मिलती हूँ एक फ्रेश ब्लॉग में किसी नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।